जी के क्विज ऑन साइंस विज्ञान पर सवाल जवाब टेन क्वेश्चन लेट स्टार्ट दिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिय मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी इनमें से कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट्स मिनरल्स राइट right आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स कार्ब्स और फैट्स हमें मुख्यतः ऊर्जा देने का काम करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन गुड आईसाइट इनमें से कौन सा जीवन सत्व हमें अच्छी दृष्टि देने में मदद करता है विटामिन सी विटामिन बी विटामिन के विटामिन ए राइट आंसर इज विटामिन ए गाजर कचालू पालक इनमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है वॉट इज कॉज ड्यू टू डेफिशंसी ऑफ विटामिन डी डी जीवन सत्व की कमी से क्या हो सकता है रिकेट्स लॉस ऑफ विजन बेरी बेरी स्कर्वी राइट आंसर इज रिकेट्स ये ज्यादातर बच्चों में होता है जिसमें हड्डियां कमजोर पड़ने लगती है प्लांट फाइबर्स फॉर क्लोथ आर ऑप्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कपड़े बनाने के लिए प्लांट फाइबर्स या पौधे के रेशे इनमें से किस वस्तु से प्राप्त होते हैं कॉटन एंड जूट सिल्क वर्म वूल नन ऑफ दीज राइट आंसर इज कॉटन एंड जूट कॉटन बॉल प्लांट से लेकर उससे बीज अलग किया जाता है और फिर उसका यान बनता है उससे ही तो हमारे कपड़े बनते हैं विच प्रोसेस इज यूज टू ऑप्टेन सॉल्ट नमक कैसे प्राप्त किया जाता है फिल्ट्रेशन कंडेंसेशन इवेपोरेशन सेडिमेंटेशन राइट आंसर इज इवेपोरेशन मुंदर का पानी इवेपोरेट होकर पीछे जो क्षार छोड़ता है वो एक किस्म का नमक ही होता है प्लांट्स दैट टेक सपोर्ट ऑफ अदर सराउंडिंग्स टू ग्रो आर कॉल्ड वो पौधे जो उगने के लिए अन्य परिवेश का सहारा लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं पेटियोल क्लाइंबर्स श्रब्स हर्ब्स राइट आंसर इज क्लाइंबर्स ये दूसरों की मदद लेके अपनी जड़े जमाते हैं द मेन रूट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड पौधे के मुख्य जड़ को क्या कहते हैं टैप रूट लैटरल रूट फाइब्रस रूट स्किन रूट राइट आंसर इज स्टेप रूट और जो बाकी छोटी छोटी जड़ें होती है उनको लैटरल रूट्स कहते हैं द ज्वाइंट वेयर अवर नेक इज ज्वाइंट टू अवर बॉडी इज कॉल्ड वो जोड़ जहां हमारी गर्दन हमारे शरीर से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाइवोटल ज्वाइंट हिंज ज्वाइंट फिक्स ज्वाइंट राइट आंसर इज पाइवोटल जॉइंट ये ऐसा जॉइंट है जहां हम सिर को आगे पीछे और लेफ्ट राइट right भी घुमा सकते हैं द बोन विच इज नॉट हार्ड एंड कैन बेंड इज कॉल्ड ऐसी हड्डी जो सख्त नहीं होती और मुड़ भी सकती है उसे क्या कहते हैं लोब मसल कार्टिलेज नर्व राइट आंसर इज कार्टिलेज ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड सांस लेना ये किस प्रक्रिया का भाग है डाइजेशन सर्क्यूलेटरी एक्सक्रीशन रेस्पिरेशन राइट आंसर इज रेस्पिरेशन यानी श्वसन प्रक्रिया बहुत अच्छे दोस्तों बहुत बढ़िया ये बेसिक साइंस क्विज आपको कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो जल्दी मिलती हो नए वीडियो के साथ तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो